सुहागिनी कहानी की नायिका पद्मावती है, जिसका जन्म उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के एक गरीब ग्रामीण परिवार में हुआ है। वह देखने में सुंदर नहीं है और 45 वर्ष की उसकी उम्र तक विवाह नहीं हो पाया है। और उसके साथ आगे क्या होता है इस कहानी में हम जानेंगे। इस कहानी में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं। जैसे कठबाड़ शब्द आया है, वह लकड़ी का घेरा या चौहद्दी कहते हैं। क्षण क्षणा कांसे के बर्तन में पानी के बूंद के गिरने की आवाज जो होती है उसे कहते हैं छनछनाहट, जैसे जैसे हम बोलते हैं तो क्षण क्षणा। पात का अर्थ होता है पंक्ति। दीट नजर या दृष्टि। शकुन आखर। मंगल गीत बौराज्यू बौराणाज्यू बहुरानी। छिहाड़ी दुरदुराना। खसिया या खसनी क्षत्रियों के लिए एक संबोधन है। टमटा तांबे के बर्तन बनाने या बेचने वाले को कहते हैं। बाल संन्यासिनी एक ऐसी लड़की जिसने बचपन में ही संन्यास ले लिया हो। रहट ये कुएं से पानी निकालने का यंत्र होता है। सुआ तोते को कहते हैं सुआ या सुआ। अंतर्गुहा का अर्थ है हृदय का अंतरतम, मन का भीतरी हिस्सा। अवसन यानी पीड़ित व्यथित। शालिग्राम भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है। कदली पत्र की पालकी यानी केलों के पत्तों से बना हुआ भगवान का आसन। तो आइए सुनते हैं कहानी सुहागिनी। लेखक शैलेश मटियानी जी की इस कहानी को मैं अल्पना वर्मा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पर देख सुन रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक विवाह गीत से है। सुवारी सुवा बन खंड सुवा जा सुवा नगर न्योत दिया हरियो तेरो कात पिंडलो तेरो ठूना जा सुवा नगर न्योत दिया सुआरे सुआ बन खंडी रे सुआ जा सुआ नगर न्योत दिया। कांसे की थाली में कमलावती बोझियू रोली अक्षत भिगो रही थी और पद्मावती अपनी डबडबाई आंखों से देख रही थी कि उसकी आंखों की पुतलियों में जो आत्मजल केवड़े के किश्ती नुमा पत्तों में अटकी ओस की बूंदों की तरह थरथरा रहा है, उसमें कमलावती बोझियों का ही नहीं आसपास के सारे वातावरण का पूरा प्रतिबिंब, पूरा पूरा प्रतिबिंब उभर रहा है। वनखंडी रे सुवा हरियो तेरो कात। कमलावती बोझियों बार बार कदली पत्रों यानी जो इसके केले के पत्ते हैं उनकी पालकी में बैठे बड़ देवता श्री रामचंद्र को टुकुर टुकुर देखती है और उनके आंसू एक बार भी छलछला कर कांसे की थाली में गिरते हैं और लगता है रोली अक्षत एकाकार हो जाते हैं और कांसे की थाली हौले से ऐसे छनछना उठती है जैसे बरसात की बूंदों से टीन की छत बजने लगती है। वो सुवा रे सुवा बनखंडी रे सुवा। पद्मावती के कलश विवाह की तैयारी चल रही है। ओ सुवा रे सुवा बनखंडी रे सुवा, ये विवाह निमंत्रण गीत बज रहा है, सुनाई दे रहा है और पद्मावती जो कि नायिका है हमारी कहानी की, उसके विवाह की कलश विवाह की तैयारी चल रही है। पद्मावती ने एकाएक अपनी डबडबाई आंखों को सामने सोयाल घाटी की ओर उठा दिया। हे राम, कभी कभी बनखंडी शुकों की हरियाली देह पियराई चोंच वाले शुकों की पूरी पांत आंखों की पुतलियों को ढांपती चली जाती है। तो यहाँ पद्मावती के मन की स्थिति का चित्रण है। मगर एकदम छलछल भी हुई आंखों के बावजूद आज पद्मावती को सारी सोयाल घाटी एकदम रोती रोती लग रही है। बनखंडी शुकों की बोझियू दीट बांधती पुतलियां ढांपती नहीं दिखाई दी। पद्मावती को लगा कि अरे
उसके आसपास तो उसकी शादी के शकुन आखरों यानी शकुन गीतों के शकुन चहचहा रहे हैं और हरियाए पियराए बनखंडी शुकों को न्योता दे रहे हैं। बनखंडी रे सुआ जा सुआ नगरी ने न्योत दिया। और पाताल भुवनेश्वर की अछोर अंतर गुहाओं जैसे उसके कान गूंजते ही चले जा रहे हैं शकुन आखर के शकुनों के चहचहाते अनुगूंजों से, और बनखंडी शुकों की पात उसकी आत्मा की अंतर गुहाओं की सुयाल घाटी में उड़ती ही चली जा रही है, उड़ती ही चली जा रही है। जा सुआ बनखंडी रे सुआ हरियो तेरो गात पिंडलो तो तेरो ढूंढना जा सुआ नगरी ने न्योत दिया। कमलावती पूज्यू की आंखों में उसके प्रति संवेदना के आंसू हैं। किसके प्रति? नायिका के प्रति, जो कि है पद्मावती, जिसका विवाह है, कलश विवाह हो रहा है। तो कमलावती की आंखों में उसके प्रति संवेदना के आंसू हैं और वह उनके एकदम सामने बैठी है, सो उनकी पुतलियां भी छलछला जाती हैं और आंसू कांसे की थाली की ओर निकल जाते हैं यानी उसमें गिर जाते हैं। मगर पद्मावती की व्यथा अपनी ही इस आत्मस्था पद्मावती के प्रति है, जो उसके भीतर है, मन के भीतर कहीं है, जो कुंवारेपन के 45 साल बिता चुकने के बाद दुल्हन की तरह सांवरी लजाई बैठी है। तो कदली पत्रों की पालकी में जो बड़ देवता श्री रामचंद्र बैठे हैं, उनकी ताम्रवर्ण देह दीपकों के उजाले में कुछ ऐसे चमक उठती है कि पद्मावती को लगता है सारे दीपक उसके अंतर गुहा में जल रहे हैं। शकुना देही राजा रामचंद्र अयोध्या वासी। अंदर जो कुंठित कौमारे को और ज्यादा बेधने वाले दीपक जल रहे हैं इस प्रौढ़ावस्था में, सिर्फ परलोक में तारण के लिए दुल्हन बनने की विवशता के भाई को निवास नहीं मिल पा रहा है, तो लगता है आत्मा की अंतर परतों में काजल बैठा जा रहा है। हे राम, जिन सुहागिनों के गोद में छौने आते रहते हैं, वो कैसे छोटी छोटी डिबिया में काजल समेट कर रखे रहती हैं? घुटने पर बालक के सिर को हिलाती हूं करती हुई अंगुली के पोर से काजल आंचती हैं, लगाती हैं, अंजन लगाती हैं काजल आंखों में, बच्चे की आंखों में। तो बालक की आंखों के किनारियों में अंगुली के चक्र या शंख की छाप उतर आती है। मगर तांबे का कलश, तांबे का श्री रामचंद्र सुहागिनी बना सकता है, लेकिन लेकिन ये जो कलश विवाह है, तांबे के कलश से इसका विवाह हो रहा है पद्मावती का। अंदर दुख उमड़ पड़ रहा था, मगर फिर भी पद्मावती को शर्म लग गई थी कि छी छी इतनी औरतों के सामने कितनी छिछोर बात सोचती हूँ मैं भी। आत्मस्था पद्मावती के प्रति व्यथा के आंसू बाहर को निकल नहीं पा रहे थे, कहीं अंतर गुहा में उसके मन के अंदर के हिस्से में बाल संन्यासिनी की तरह अवसत्र बैठी पद्मावती क्षण क्षण में अपना रूप बदलती रहती है और बेर बेर यानी बार बार पुतलियां रहट के खोखों की तरह बाहर को घूमने के बावजूद अंदर की ओर छलछला जाती हैं और आंसू बूंद बूंद अंतर गुहा में जलते दीपकों की लौ पर गिरते हैं। शकुन आखरों का गूंज सुनाई दे रहा है। बनखंडी रे सुवा ओ सुवा रे सुवा। इसकी गूंज सुनते ही पास पड़ोस के विवाहों में पक्षी की तरह चहचहाती दौड़ा करती थी पद्मावती, लेकिन वह उम्र तो बहुत पहले ही बीत चुकी है। उस चहचहाट की मर्मवेदी अनुगूंज आज तक शेष है। रंग एकदम सांवला, आंखें एकदम मिचमिची और देह सूखी हुई ऐसी थी दिखने में पद्मावती। अपनी तरुणाई में भी कुछ नहीं थी, मगर कंठ इतना सुरीला था कि साथ साथ शकुन आखर गाने वाली बैठी हो तो उसका सातवां सुर सबसे अलग ऐसा गूंजता था और गाने वालियों की आवाजें उसकी ईर्ष्या और कुंठा से और भी भद्दी लगने लगती थी। गाने वालियों को उससे ईर्ष्या हो जाती थी, इतना मधुर स्वर, सुरीला स्वर था उसका। पद्मावती का विवाह नहीं हो पाया था तो उस कुंठित कौमार्य का चित्र यहाँ आपने अभी अभी इन पंक्तियों में देखा। कमलावती पहुंची तो तब भी यही कहती थी कि लली लली यानी वो ननद जो पद्मावती, वो जो भाभी है, भाभी को कहते हैं, लली बहुत शकुन गाती हो तुम,
और इतनी मधुर मीठी आवाज में कि लगता है तुम सिर्फ शकुन गाने के लिए ही जन्मी हो, सुनने के लिए नहीं। पद्मावती तब भी जानती थी कि कमलावती बोझू के मुंह से उनकी कितनी आंतरिक व्यथा बोलती है। ब्राह्मण कन्या तो पैसे वालों की भी बहुत परेशानियों के बाद ही ब्याही जाती हैं। वह तो एक दरिद्र परिवार की कन्या थी, यानी पद्मावती एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार की बेटी थी, और उस पर कुरूपा। गोरे कपाल में तो काजल का टीका भी बहुत फबता है, मगर काले कपाल की रेखाएं तो चंदन के तिलक से भी उजली नहीं हो पाती। सोने चांदी के आसन पर तो शालिग्राम भी पूजा जाता है, जो शालिग्राम जिसे हम विष्णु का रूप मानते हैं, भगवान विष्णु जी का, तो काला पत्थर, वो काला ही तो होता है शालिग्राम। मगर दान दहेज से रीति उस सूखे काठ जैसी काया को कौन देगा अपने घर में बहू का आसन। गरीब पुरोहित के घर में जन्म लिया था पद्मावती ने, एक सूखे काठ जैसी सांवली काया पाई थी, मगर आत्मा उस देह की कट बाढ़ के पार। कभी बन खंडों में उन्मुक्त चहकती चहचहाती रहती थी, और कभी तिरस्कृत सी बिलकती रहती थी, तिरस्कृता सी बिलकती रहती थी। कटबाड़ जैसी काया को सभी देखते थे, कटबाड़ के पार देखने वाली आंखें बहुत दुर्लभ थीं। एक जोड़ी आंखें बड़े भाई बुद्धि बल्लभ पुरोहित की, एक जोड़ी आंखें कमलावती भाभी यानी कमलावती पोजियो की, भाई भाई की अंतर व्यथा से छल छलाती आंखों की, भाई की अंतर व्यथा से छल छलाती आंखों की ज्योति कटवाड़ के पार भी पहुंचती थी, मगर कभी कभी कटवाड़ से ही टकराकर धुंधली पड़ जाती थी। अपनी गरीबी और बहन की कुंवारी काया के बोझ से दबे पुरोहित बुद्धि बल्लभ भी कभी कभी बहुत खीज उठते थे कि इस अभागिन के कारण तो मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिस ब्राह्मण के घर में आज तक कुंवारी बैठी बहन राख के अंदर के कोयले की तरह अपने दुखों में सुलगती रहे, उसका उद्धार तो 64 तीर्थों की परिक्रमा से भी नहीं हो सकता। कमलावती बोझू अपने 5 बच्चों की तरफ देखती थी, तो उन्हें भी पद्मावती खटकने लगती थी कि कहीं कभी कोई काना रंडवा ब्राह्मण ही मिल गया तो कहीं बुद्धि बल्लभ घर की लट्टी पट्टी धो पोंछ कर पद्मावत के ही पीछे ना लगा दें। उन्हें अपने परिवार की चिंता थी, भविष्य की चिंता, तो ऐसे विचार भी उन्हें आ जाते थे उसकी भाभी को। मगर उन्होंने ही तो कहा था, पद्मा शकुन आखर गाने के लिए ही तो पैदा हुई है, सुनने को नहीं। तो बरस पर बरस बीतते गए। 30 बार पहुंचते पहुंचते पद्मावती की आत्मा निराशा कुंठा से बंजर होने लगी थी, मगर एक अनहोनी जैसी यह जरूर घटने लगी थी कि आत्मा के वीरान बनखंडों की तरह अवसाद और कुंठा के घने कोहरे में डूबते ही 35 तक पहुंचते पहुंचते पद्मावती की सूखी सांवली देह भरती गई, और 37 बरसों की उम्र काट चुकने के बाद पद्मावती को पुरुष दीट अटकने का सुख तब मिला था जब मोहल्ले के अपर स्कूल का हेडमास्टर गंगा सिंह हंस पड़ा था कि बौराणा ज्यू, पुराना गुड़ और ज्यादा गुणकारी होता है, ऐसा सुना तो मैंने भी था पर आंखों से आज पहली बार देख रहा हूं। तब पद्मावती अपने भतीजों को स्कूल पहुंचाने जाया करती थी। गंगा सिंह हेडमास्टर की बड़ी आसक्ति के साथ गंगा सिंह हेडमास्टर बड़ी आसक्ति के साथ घूरता बातें करता है, इससे एक सार्थकता का बोध सुख उसे अवश्य देता था, मगर आत्मा प्रताड़ित करने लगती थी कि कहीं तीन तीन शादियों के होते हुए भी एकदम कुंवारे छोकरों की तरह आंखें भुरभुराने वाला हेडमास्टर अपने अपर स्कूल की सरहद से बहुत आगे तक ना बढ़ाए। सो एक दिन पद्मावती का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो हट साले खसिया कहकर पद्मा ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। तब से उसके मुंह से पुराने गुड़ के स्वाद में लिपटी हुई आवाज निकलनी बंद हो गई थी। आंखें भुरभुरा कर बौराणा ज्यू कहने का भेद हो गया था। पड़ोस वाले तो बहुत कान बचाते थे कि बेमौसम आई हुई बाढ़ और ज्यादा खेत तोड़ती है, यानी बेमौसम अगर बाढ़ आती है तो नुकसान ही पहुंचाती है खेतों को, मगर ईश्वर साक्षी है कि देह भरने के बाद भी सिर्फ पुरुषों की आंखों में आसक्ति देखने भर का सुख ही भोगा पद्मावती ने, बल्कि धीरे धीरे इससे भी
उसे एकदम घृणा और वितृष्णा होने लगी थी, क्योंकि उसे घूरने छेड़ने वाले पुरुष बहुधा 30-35 पार के ही होते थे। मगर पद्मावती की आत्मा में उसके शकुन गाने की उम्र ही छाई हुई थी। 30 पार पहुंचने पर शकुन गाना छोड़ दिया था पद्मावती ने, मगर जब जब पुरुष के प्यार के लिए मोह जगता था, ममता जगती थी, उम्र एकदम घटती चली जाती थी, जैसे धूप ज्यादा बढ़ने पर छाया छोटी होती चली जाती है। आत्मा में कल्पना पुरुष सूरज कमल जैसा खिलता चला जाता है। और अब 45वें बरस में एक लज्जास्पद अनहोनी यह भी घट रही है कि खुद पद्मावती के कान ही शकुनाखर से गूंज रहे हैं, शकुनाखर सुन रहे हैं, शगुन गीत सुन रहे हैं। कदली पत्रों की पालकी में बड़ देवता श्री रामचंद्र के रूप में तांबे का कलश बैठा हुआ है। कमलावती बोझियों के आंसू कांसे की थाली में बिखर रहे हैं और मरणासन भाई बुद्धि बल्लभ कन्यादान की सामग्री ठीक कर रहे हैं। पद्मावती तो हठ बांध रही थी कि इस प्रौढ़ावस्था में यह गुड़ियों का सा खेल मैं नहीं रचा सकती, मगर जब खुद भाई ने आंसू गिरा दिए, पद्मा मेरा अंत समय आ गया है, बहुतों की सदगति करके उनका तारण मैंने किया है, मगर अब मुझे अपना ही तारण दुर्लभ हो रहा है। तेरा भाई पिता जो कुछ भी हूं, मैं ही अभागा दरिद्र ब्राह्मण हूं। पद्मा, मैं अभागा अपने भाई का धर्म नहीं निभा सका, मगर तू तो कल्याणी कुल लक्ष्मी है, तू अपनी दया निभा दे, तुझे सुहागिन देखने से मेरा तारण हो जाएगा। लली, इतना मैं भी समझता हूं कि तांबे का कलश सुहाग के कंकण मंगल सूत्र ही दे सकता है, सुहाग का सुख नहीं दे सकता, मगर अपने 60-62 के सहोदर का यानी भाई का बच्चों जैसा विवल रुदन और ज्यादा नहीं झेल पाई थी पद्मावती और चुपचाप चली आई थी। बोझू, इस वृद्धावस्था में मुझे सुहागिन बना दो। और एकदम भरने के बाद औंधी पड़ी तांबे की कलशी जैसी छलछलाती ही चली गई थी, बिलकती ही चली गई थी। हे राम, हे राम, हे राम, रामीचंद्र अज अयोध्या वासी, सीता रानी मिथिला वासिनी, ई ई ए शकुना देही। सुहागिन बने भी अब 7-8 बरस बीत गए हैं। इन 7-8 बरसों में पद्मावती ने धीरे धीरे अपने उस कल्पना पुरुष को प्रतिष्ठित कर लिया जो 30 तक की पद्मावती अपने लिए खोजती रहती थी। शुरू शुरू में तांबे का कलश विद्रूप लगता था, मगर एक दिन जब छोटे भतीजे ने उसमें पेशाब कर दिया तो कमलावती बोझू ने उपेक्षा पूर्वक हंसते हुए बात टाल दी। लेकिन एकाएक पद्मावती की आत्मा उत्तेजित हो उठी थी। तुम्हारे लिए यह सिर्फ तांबे का कलश ही होगा बोझियो, मगर मेरे लिए ये मेरा सुहाग भी है। उत्तर में कमलावती बोझियो ने व्यंग्य से कहा था, लली, सुहाग तो पलंग में शोभा देता है, तुलसी के कनस्तर के पास नहीं पड़ा रहता। पद्मावती एकदम तड़प उठी थी। बोझियो, इस वृद्धावस्था में भी बकते हुए शर्म नहीं लगती तुमको? और उसी दिन से पद्मावती ने तांबे के कलश को इतनी ऊंची चबूतरे पर रखना शुरू कर दिया था कि कमलावती बोझियो के बच्चे वहां तक ना पहुंच सके। रोज दिशा खुलते ही पद्मा चबूतरे पर से कलश उतार कर पनघट चली जाती थी। स्नान कर लेने के बाद उस आत्मस्थ कल्पना पुरुष के आधार जल कुंभ को भी स्नान कराती थी, स्वच्छ पत्थर पर चंदन घिसती थी और विष्णु रूप जल पुरुष का अभिषेक करती थी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले चा कौस्तुभम, सुदूर जाला पहाड़ी की चोटी पर पहली पहली सूर्य ज्योति सली वृक्षों की चोटियां उजली बना देती थी। जल भरे ताम्र कलश के मुख तक छल छलाते पानी में पद्मावती प्रतिबिंब देखने लगती थी। आंखों की पुतलियां मुंह और अवसाद से थर थर कांप उठती थी। ताम्र कलश के मुख पर पानी की दायरे कांप उठते थे, लगता था कल्पना पुरुष का मुखबिंब ऊपर उतर आया है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, पहले भी नित्य जल भरती थी पद्मावती, मगर दिन भर कौवे चोंच डाल डालकर पानी पीते रहते थे तो पद्मावती हांकती भी नहीं थी। मगर बाद में मौसमी फूलों और पीपल के पत्तों का गुच्छा ऊपर रखने लगी थी ताकि कौवों की चोंच पानी तक ना पहुंच सके, ताकि ताम्र कलश की एकदम ऊपरी जल परत पर उभरा हुआ मुख बिंब खंडित ना हो सके। एक किशोरियों का जैसा बावलापन तरुणियों
की जैसी सौंदर्य अनुभूति और गृहिणियों का सा अपनाव ताम्र कलश पद्मावती की आंखों में एकदम छा गया था। लोग ही नहीं, कमलावती बोझियो भी परिहास करती थी। न जाने कमलावती बोझियो ने क्या बात फैलाई थी, या फिर पड़ोसिनों की कल्पना इतनी प्रखर थी। सारे मोहल्ले में ये चर्चा फैल गई थी कि पद्मावती अपने स्वामी को रात में अपने साथ ही सुलाया करती है। हे राम, तांबे के कलश को अपने साथ! शायद ये बात तो कमलावती बोझियो ने ही फैलाई होगी कि मैं नीचे गोट में सोती हूँ, पद्मा ललीजियो ऊपर वाले तल्ले पर सोती हैं। एक रात ऊपर की पाल से पानी चू रहा था, शायद तांबे का कलश औंधा पड़ गया होगा। पद्मावती क्या जानती थी कमलावती बोझू इतनी बदमाश है। वह तो यही समझती थी कि सबकी आंख लग जाने के बाद ही वह ताम्र कलश को चबूतरे पर से ले जाकर अपने सिरहाने रखती है और दिशा खुलते ही जल भरने चली जाती है। छी हाड़ी, इस चतुर्थावस्था में भी कमलावती बोझियों की विमति नहीं गई है। नंदों के भेद लेने, उनसे चुहलबाजी करने की यह उम्र थोड़ी होती है। कभी कभी पद्मा कमलावती बोझियों के प्रति खींचती तो है, मगर फिर अपने ही प्रति उलाहने की लाज में डूब जाती है। किसी हाड़ी, बोझियों को तो बहुत गिन गिन कर नाम रखती हूँ, मगर सफेद धतूरे जैसी फूल जाने पर भी मेरी मति क्यों इतनी बावली हो गई है? इस अवस्था में तो कोई साक्षात शरीर वाले पति को भी इतना प्यार नहीं करती होगी। कमलावती पूजियो विनोद में कहा करती थी कि हमारी पद्मा ललिजियो बड़ी तपस्विनी है। जितनी सेवा टहल ललिजियो इस तांबे के खसम की करती हैं, उतनी तो मैं अपने हाड़ मास के स्वामी की भी नहीं कर सकी। आखिर पद्मावती ललिजियो के ही कुंभ से तो नहीं जन्मेगा फिर कोई अगस्त्य मुनि? हे राम, कमलावती बोझियो कितनी चंट है। पद्मावती ने सिर्फ इतनी सी ही कल्पना तो की थी कि एक दिन की पहले के सतयुग में तो पुरुष के स्मरण मात्र से गर्भ रह जाया करता था, मगर यह कल्पना करने के दिन जब बावलेपन में ताम्र कलश छल चला गया था, तो खुद पद्मावती ही कितनी डूब गई थी शर्म में, वह जानती है। एक मर्मवेदी आशंका भी आत्मा को थरथरा गई थी कि कहीं सचमुच रह ही गया गर्भ तो पड़ोस की छिछोर औरतें उसकी आत्मिक श्रद्धा को थोड़ी ही देखेंगी। सभी यही कहेंगे कि इस बुढ़ापे में धर्म गंवाते लाज भी नहीं लगी। अरे छिछोरों, जितनी शर्म तांबे के कलश की है, उतनी तो तुमने हाड़ मास के खसम की भी कभी नहीं की होगी। देखता कोई कि पहले पहले तांबे के कलश को सिरहाने रखते हुए कैसे घूंघट निकाल लेती थी पद्मा, तब जानती कि लाज शर्म करने वाले हिया ही कुछ और होते हैं। बीच में 7-8 दिन बीमार पड़ गई थी तो बिस्तर से लग गई थी पद्मावती। बिस्तर में पड़े पड़े ही उसे यह यथार्थ बेतता रहा कि उसके चाहने के बावजूद अब तू तू क्यों नहीं कहता कोई, और तो और कमलावती बोझियू भी तुम ही कहती हैं। पहले कभी कभार तू तू कहती थी, बड़ा मधुर लगता था, मगर इधर कमलावती बोझियू का मधुर स्वर एकदम तीता तीखा होता चला आया है। कभी क्रोध में बोलती हैं तो ऐसा लगता है गला खंखार खंखार थूक रही हैं। लगातार 7 दिनों तक तांबे का कलश पास ही पड़ा रहा तो पद्मावती से नहीं रहा गया। मेरे जिंदा रहते ही यह दुर्गति हो रही है तो मेरे मरने के बाद तो टमटों के यहाँ पहुंच जाएगा, यानी जो तांबे के बर्तन बनाते हैं उनके यहाँ पहुंच जाएगा। कहते कहते एक ओर तो वह बुरी तरह बिलख पड़ी थी, दूसरी ओर खींच भी गई थी अपनी असंयत वाणी के प्रति कि तू कहना भारतीय नारी के लिए धर्म विरुद्ध है। कल तो कमलावती बोझू ने टाल दिया था कि पद्मावती ललिजियो तुम्हारा तो सिर्फ एक तांबे का ही कलश ठहरा, मेरे लिए तो हाड़ मास के ही कलश इतने हैं कि इन्हीं के काज काम से उबर नहीं पाती। पद्मावती एकदम व्यथित हो उठी थी। बोझू, उदर में हाथ डालकर कलेजा क्यों मोड़ उड़ती हो? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि तांबे के खसम से संतति नहीं जन्मा करती, और तुम्हारी संतति ना मुझे जीते जी सुख दे सकती है और ना मरने पर सदगति। मगर कहीं से लफंदा लगाकर मैं संतति जन्मा नहीं सकती ना बोझू। कल रात भर कमलावती बोझू पश्चाताप से सिसकती रही थी, आज सवेरे सवेरे पद्मावती के पास पहुंच गई थी। ललिजियो, तुम्हारा दुख जानती हूँ, मेरा पाप क्षमा करना। मुंड चामुंड इतना झिंझोड़ देते हैं कि वाणी वश में नहीं रहती है, तुम्हें भी दुखा बैठती हूँ।
मगर असल बात यह है ललित जी कि तुम्हारे तांबे के कलश में जल भरना मेरे लिए तो एकदम निषिद्ध ही ठहरा। उसे तो तुम्हें ही भरना होता है ना, नहीं तो मैं किसी और से भरवा देती। टूट टूट रही थी देह, मगर फिर भी पद्मावती उठ गई थी कि आज 8वां दिन लग गया है, ज्यों त्यों भर कर रखना ही होगा ना नया जल। न जाने किस जन्म पति को कलेश पहुंचाया होगा जो इस जन्म में यह गति है। इस जन्म में भी सेवा नहीं हो पाई तो कैसे होगा फिर तारण। घुटने बजने लगते हैं चबूतरे पर चढ़ते तो लगता है आत्मा के बनखंड में चहकते शकुनों को किसी निर्मम व्याघ ने बेध दिया है, और तीरों से घायल शकुनों की बात विलाप करते हुए व्याकुल कंठ से चित्कार रही है। सुआ बन खंडी रे सुआ, हरियो तेरु कात कहाँ है रे तू सुआ, पिंडलो तेरु ठूना कहाँ है रे तू सुआ, कहाँ है रे तू सुबा। एकदम भावाकुल होकर पद्मावती ने अपने हाथों में उठाई ताम्र कलश पर दीट डाली कि बासी जल में भी तो उतरता होगा प्रतिबिंब। थर 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 कृश उंगली हथेलियां कांप उठी और ताम्र कलश चबूतरे से एकदम नीचे आंगन के पथरौटे पर गिर पड़ा। हे राम पद्मावती का करुण विलाप सुनकर पास पड़ोस के कई लोग इकट्ठे हो गए, मगर पद्मावती की आंखों को तो सिर्फ पिचके हुए ताम्र कलश के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। बिलकती ही चली जा रही थी कि गंगा सिंह हेडमास्टर की तीसरी घरवाली, जो खुद भी पहले दो घर त्याग कर आई थी, पद्मावती के कानों को बेध गई। छी छी, एक तांबे की टिटरी के लिए ऐसा करुण विलाप करते हुए शर्म भी नहीं आ रही है पद्मा बोराणी जी को। अरे यह फूट गया है तो क्या दूसरा नया कलश नहीं मिल सकता बाजार में? पद्मावती ने आंसू छलछलाती आंखों के जल को एकदम आत्मस्थ कर लिया और देखा कि सामने गंगा सिंह हेडमास्टर भी खड़ा है। पद्मावती एकदम विकट स्वर में चिल्ला उठी, चुप रहे ओ खसड़ी, मैं कोई तुझ जैसी तिघिरिया पातर नहीं हूं। तिघिरिया पातर तीन तीसरे घर में भी आई है ना, अभी दो घर छोड़कर अब तीसरे घर पे आई है। पातर मीन्स वैश्या, पातर नहीं हूँ, नया कलश नहीं मिल सकता है, कहती है हैरान। अरे तू ही ढूंढती रह, तुझे ही मुबारक हो ये नए नए खसम। मैं तुझे से कमनियत खसणी नहीं हूँ, पतिव्रता ब्राह्मणी हूँ। तू मत रोना जब तेरा खसम भी मरे तो, कसम है तुझे तेरी ही औलाद की। पद्मावती के विकट स्वर से सभी हचकचा गए। कमलावती बोझियों को इस बात का बुरा लगा कि हे राम पद्मा, ललिजियों के हृदय की व्यथा को यहाँ कौन समझने वाला है, ये लोग तो सब सिर्फ तमाशा देखने वाले हैं। कमलावती बोझियों आगे बढ़ी, बड़े लाड प्यार से पद्मावती की आंखों को पोंछा। पहले बहे हुए आंसू कपोलों की झुर्रियों में अटक गए थे। संवेदना जताते हुए कमलावती बोझियों बोली, पद्मा ललिजियों अब चुप हो जाओ। अरे बावली, इतना करुण विलाप तो कोई हाड़ मास के स्वामी के मर जाने पर भी नहीं करता। तांबे का कलश थोड़ा पिचक ही तो गया है, मैं इसे ठीक करवा दूंगी। इसे इस कल्पना से ही सिहर उठी कि ठीक करने दिए गए कलश को तो पहले टमटा भट्टी पर चढ़ाएगा और फिर हथौड़ों से उसे। हे राम पद्मावती कहना चाहती थी कि बोझियो तुम भी सिर्फ कलश के पिचकने की ही बात क्यों देखती हो, मेरी आत्मा क्यों नहीं दिखती तुम्हें? मगर कंठ स्वर से अजाने ही ये बात नहीं निकली, कंठ स्वर अजाने ही रूखा सा हो गया। आज पहली बार पद्मावती को लगा कि वह भी कमलावती बोझियों की ही तरह खकार खकार कर कह रही है, अरे बोझियो तुम क्यों नहीं कहोगी ऐसा, तुम तो अब विधवा हो। विधवा विधवा तुम क्या समझोगी कि सुहागिनी के मन की ममता व्यथा क्या होती है? और एकदम बच्चियों की तरह बिलकती हुई पद्मावती अंदर चली गई। तो यह थी उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र की एक कहानी सुहागिनी। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।